प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंत सिंह मोहाली, मैं आज आपके साथ थोड़ा अपने सब्जेक्ट से हटके बात करनी चाहता हूं दोस्तों। तो बात यह है कि हमें अपने कारोबार चलाने के लिए एम्प्लाईज की जरूरत रहती है। जब एम्प्लाई हमारे पास आता है तो हमारे साथ वो काम करता है, हम उसको काम के बदले में पैसे देते हैं। कई एम्प्लाईज बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जज्बे वाले होते हैं, गट्स वाले होते हैं, वो खुद भी काम करते हैं, मालिक को भी फायदा करवाते हैं और खुद का भी काम सीख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके पैदा कर लेते हैं। तो कई बार जो एम्प्लायर है वो जब उसका एम्प्लाई उसको छोड़ के जाता है तो उसको हमेशा कई बार कंडम कर देता है, हमेशा नहीं कई बार कंडम करता है कि ये बंदा जब इसको जरूरत थी मेरे पास आ गया, जब इसके मेरे को इसकी जरूरत पड़ी तो ये हमें छोड़ के जा रहा है। दोस्तों, जो आदमी आपके पास आया है उसका सपना लेना उसका हक है। यदि वो सपना लेता है कि मैंने भी जिंदगी में कुछ तरक्की करनी है तो डेफिनेटली वो आपको छोड़ के जाएगा। यदि उसके जाने का आपको सचमुच में दुख है, यदि आप उसके साथ इमोशनल जुड़ाव में हो तब आपको दुख होता है कि यार ये बच्चा मेरे पास काम करता था आज छोड़ के जा रहा है मेरे को, तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप उससे जलन करते हो तो ये बहुत बुरी बात है। मेरे पास जब भी मेरे पास जितने भी एम्प्लाई आए आज तक उनमें से 90% एम्प्लाई मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। मेरा कारण यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों काम सीखो, काम सीख के अपना काम करो। मेरे को तो कोई, यदि सपोज मेरे पास ड्राइवर है कोई, तो मेरे पास ड्राइवर तो कोई और आ जाएगा। यदि मेरा ड्राइवर मेरे पास जितने पैसे लेता है यदि उससे 3 गुना कमाने में कामयाब हो जाता है, 3 गुना कमाना लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है और उसका परिवार वो सारी उम्र मेरे को दुआएं देता रहेगा। मेरा एक जानकार है अशोक, और उसके पास 17 साल से एक एम्प्लाई है, बहुत ज़बरदस्त बहुत इंटेलिजेंट एम्प्लाई है और उसने आज तक उसको एम्प्लाई ही रखा। अशोक कुमार की सोच ये है कि ये हमेशा मेरा एम्प्लाई ही रहे, ये कभी तरक्की ना करे, वो अपने पास नहीं बैठने देता, अपने साथ अपने दिल की कभी बात नहीं करता, उससे बिजनेस की बात नहीं करता। जबकि जो मेरे पास काम करते हैं लड़के, मैं एम्प्लाई भी नहीं कहता, मेरे जो मेरे परिवार का हिस्सा है, सपोज ये मान लो मेरे बिजनेस का हिस्सा है, तो मैं हमेशा उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ। अभी भी परमजोत नाम का लड़का हमारे पास काम कर रहा है तो मैंने उसको कहा है कि तू एक ना एक दिन छोड़ के मेरे को चले जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट ही इतना है, उसके उसमें जोश ही इतना है कि वो 100% छोड़ेगा एक ना एक दिन। तो मेरे को जिस दिन वो छोड़ के जाएगा मेरे को खुशी होगी, ना कि मेरा मन छोटा होगा। अब आप कोई सीए का काम कर रहा है, कोई सीए के पास बच्चे काम करने शुरू कर दिया, अप्रेंटिस शुरू कर दिया, किसी ने वकील के पास काम कर रहा है, कोई स्कूटर मैकेनिक के पास काम कर रहा है, कोई कार मैकेनिक के पास काम, वो कितनी देर काम करेगा यार? एक ना एक दिन तो उसने इंडिपेंडेंट होना ही है। तो कितनी खुशी होगी यदि हम उसको इंडिपेंडेंट खुद ही कर दें। 1995 में मेरे पास एक जोगिंदर पाल नाम का लड़का आया था गुरदासपुर दीना नगर से, तो वो लड़का मेरे को बोला कि सर मैं सरकारी जॉब ढूंढ रहा हूँ, यदि मेरी कोई सरकारी जॉब मिल गई तो मैं फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा दोस्त जिस दिन तेरी सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू होगी मैं तेरे को खुद अपनी कार में लेके जाऊंगा इंटरव्यू देने दिलाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तू तरक्की करे। और हमारे रिलेशन आज तक बहुत अच्छे रिलेशन है, वो बड़ी अच्छी जिंदगी में उसने तरक्की करी लड़के ने, और उसके बिना सोनू है लड़का मेरे पास काम किया, उसने वो इंडिपेंडेंट कॉलोनी का काम कर रहा है, रजिंदर ड्राइवर था वो आज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बहुत बंदे ऐसे हैं जो अपना अपने लिए खुद का मतलब काम बिजनेस शुरू करके अपने जिंदगी में सेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये ऐसा हमें सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमें ही सब कुछ चाहिए, परमात्मा ने जिसको भी पैदा किया है उनको भी तरक्की का मौका देना चाहिए। यदि आप उसके तरक्की का जरिया बनते हो तो वो उसका परिवार पूरी उम्र आपके लिए दुआएं देता रहेगा। सो हमने कभी भी ये छोटी सोच नहीं रखनी। यदि आप एम्प्लायर हो तो यू शुड बी हाईली ग्रेटफुल टू द हायर पावर, गॉड के लिए आपको थैंक यू करना चाहिए कि आप एम्प्लाई नहीं हो, एम्प्लायर हो। हाँ, यदि आपका एम्प्लाई कोई तरक्की करके एम्प्लायर बनता है तो भी आपको खुश रहना चाहिए, खुश दिखना चाहिए, उस बच्चे का साथ जरूर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना ताकि लोगों के उस जो सोच है थोड़ी सी उसमें बदलाव आ सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। राजवंत सिंह।